पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु मय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए। प्रवेश भजन। छोटे बड़े तुम सब जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, हमारे ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि अब उनके ख्रीस्त की मुक्ति सामर्थ तथा अधिकार प्रकट हुआ है। आलेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्यारे भाइयों बहनों, यह ईश पवित्र वचन आज हम संत स्टीफन के पवित्र मुख से सुनते हैं। संत स्टीफन ने अपना जीवन प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के नाम के प्रचार हेतु, आज प्रभु के साथ और प्रभु के कारण लोग उन्हें पत्थर से मार देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ईश वचन हम सबों को हमारी बुलाहट, हमारे जीवन की गंभीरता की ओर हमें आज मनन करने हेतु एक सुंदर सा पल प्रदान करती है। स्टीफन ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वरीय प्रेम के लिए समर्पित किया। आइए हम स्वयं से पूछे, ईश्वर ने मुझे यह सुंदर सा जीवन दिया है, क्या मैं इस जीवन से ईश्वर की प्रशंसा करता हूं? क्या मैं इस जीवन से प्रभु के कार्य को फैलाता हूं? क्या मैं इस जीवन में प्रभु के नाम के कारण दुख तकलीफों का सामना करने के लिए तैयार हूं या नहीं? आइए हम थोड़ी देर मौन रहे, इन प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा मनन करें। हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। वो हमें गले लगाता है, हमें प्यार करता है और हमारा रास्ता देखता है और हमें क्षमा करता है। आइए हम सर्वप्रथम एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु से भी क्षमा की याचना करें, ताकि इस घड़ी इस पल प्रभु हम सबों के हृदय हमारे मन को पवित्र करें, ताकि हम आज की मिस्सा बलिदान योग रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं हिंदुकुमारी रानी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्ग शक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करे हे ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तूने हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। हम सबों को अटल विश्वास और भरोसे का वर दे कि हम तेरी प्रतिज्ञाओं का कभी भी संदेह ना करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्ट के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। स्वर शक्तिमान पिता ईश्वर आपके हृदय एवं आपकी जीवा को शुद्ध करे जिससे आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन को सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वचन संख्या 8-15। पाठ का मूल वाक्य है, वे स्टेफेनियस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्टेफेनियस अनुग्रह तथा सामर्थ से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन सिकंदरिया सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्टेफेनियस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्टेफेनियस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्टेफेनियस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्टेफेनियस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सभी सदस्य स्थिर दृष्टि से स्टेफेनियस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है, तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती है। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है, अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूँगा। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय किया। अनुवाक्य, धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष, अलेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक महात्मा ने एक बहुत बड़ा सफेद पेपर अपने हाथों में लेकर और उस सफेद पेपर पर मार्कर से एक धब्बा बनाता है और एक दीवार के ऊपर उसे अंकित करता है, दीवार के ऊपर उसे चिपका देता है। फिर उस महात्मा ने लोगों से पूछा, आप इसमें क्या देखते हो? काफी लोगों ने सिर्फ यही कहा कि हमें वहां एक काला सा धब्बा दिख रहा है। महात्मा ने एक के बाद सभी लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें उत्तर सिर्फ यही मिला कि हमें सिर्फ वहां पर मार्कर के द्वारा एक काला सा धब्बा आपने जो बनाया वही दिख रहा है। उस महात्मा ने कहा, आपको सिर्फ यह काला धब्बा दिखता है? आपको उसके आसपास के जो सफेद पेपर है वो आपको दिखाई नहीं देता? प्यारे भाइयों बहनों, हम इंसान के जीवन में सदैव त्रुटियां ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं, अच्छाइयां नहीं ढूंढते हैं। हमें हमारे जीवन में दूसरों के प्रति अच्छाइयां नजर नहीं आती है। इसीलिए तो इस महात्मा ने पूछा कि आपको क्या दिखता है? सभी ने उत्तर दिया कि हमें एक काला धब्बा दिखता है। वे भूल जाते हैं, वे अनजान बन जाते हैं और अच्छाई को वे नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ सिर्फ बुराइयां देखते हैं। ये तो हमारे लिए एक छोटी सी शिक्षा है। आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं स्तेफनुस, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, एक हृदय और एक मन, वो आज प्रभु के लिए खड़ा होता है। उसके सामने कोई भी इंसान टिक नहीं सकता है। उसे ईश्वर का सामर्थ्य और अनुग्रह प्राप्त होता है। लोग उसकी अच्छाइयां नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ कि सिर्फ उसकी कमजोरियां देखते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं। और यहां तक कि वे आज हम इस वचन में सुनते हैं उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, स्तेफनुस ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है?
यदि हमारे साथ प्रभु है तो हमें किस बात का डर है, चाहे शैतान, चाहे बुराइयां, चाहे मृत्यु कुछ भी हमारा सामना करे, यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यही आज हम संत स्टेफनुस के जीवन में पाते हैं। वो मरने से नहीं डरता है, नहीं हिचकिचाता है और प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होता है, सत्य के लिए वो आगे बढ़ता है और प्रभु के नाम पे, प्रभु के सत्य पे, प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा वे भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाता है। प्यारे दोस्तों, हमने सुसमाचार में सुना, लोगों ने पुनः प्रभु से पूछा, हमें वो रोटी दीजिए, हमें वो रोटी दीजिए। प्रभु ने कहता है, क्या आप मुझे ना सिर्फ विश्वास करते हैं बल्कि आप विश्वास मुझ में इसलिए करते हैं कि आप तृप्त हुए हैं, तृप्त हुए हैं। प्रभु कहता है कि मैं संसार की जीवित रोटी हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। और वह कहते हैं, प्रभु हमें वो रोटी दीजिए, समर्पण की भावनाएं, त्याग की भावनाएं और अंधकार से दूर होने की भावना। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त सदैव हमारे साथ है और वे सदैव हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने हमें ईश वचन में कहा है कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। हम उसके पुत्र पुत्रिया हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके शिष्यगण हैं। तो प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह देता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें सिर्फ पुनः हमारा जीवन प्रभु की सेवा हेतु, प्रभु के प्यार के हेतु समर्पित करना है और हमारी बुराइयों को, हमारी कमजोरियों को हम जब जब प्रभु के पास जाएंगे, जब जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारे उन अंधकारमय जीवन को, हमारे उन अंधकारमय अंश को वो हटा देगा और हमें प्रेरणा, सामर्थ्य और अनुग्रह प्रदान करेगा। आइए हम संत स्टेफनुस के समान हमारे जीवन में जो भी छोटे मोटे दुख तकलीफ आते हैं, हम सहज स्वीकार करें, सहज स्वीकार करें और प्रभु के साथ खड़े रहे। प्रभु के प्यार को, प्रभु के नाम को हम जहां कहीं भी जाए अपने जीवन के द्वारा प्रभु के प्यार को फैलाए। आइए हम पुनः अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या मैं मेरे जीवन में जो कष्ट आते हैं, परेशानियां आती है, दुविधा आती है, क्या मैं प्रभु के लिए खड़ा होता हूँ? प्रभु के प्यार को मैं लोगों को बांटता हूँ? क्या मैं हमेशा दूसरों के जीवन में अंधकार या त्रुटियां ही ढूंढता हूँ? यदि ऐसा है तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस पुनर्जीवित प्रभु के पवित्र चरणों में जाए और अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि वे हमारे जीवन को अनुग्रह और पवित्र आत्मा से शुद्ध और अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हार हमारा ना।
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज हमारे यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु अपने उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी कृपा से हमें यह अपार आनंद प्राप्त हो जाए। ऐसी कृपा कर कि हमारे उपहार चिरस्थाई सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदैव सर्वोत विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुण गान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास काका मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्ति दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उपार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। आज हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा आइए हम वही प्रार्थना भक्ति और श्रद्धा के साथ कहें जिसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कैथोलिक कलीसिया के विश्वास पर कृपा दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखे। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है। आज हम धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र नाम पर बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हमें विश्वास है कि यदि हम क्रिस्त के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे। अल्लेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान के महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। अल्लेलुया, अल्लेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया, कृतज्ञता मैं मन मेरा लगा।
हुआ